हेलो फ्रेंड्स, स्वराज स्वीट डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये जो रेसिपी है वो है हेल्दी मूंग दाल पराठा। और फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल रेसिपी है इस पराठे की। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट मुलायम बने हैं, बहुत ही हेल्दी है। तो चलो झट से शुरू करें आज की आसान सी रेसिपी। हमने एक कप मूंग की दाल ली है जिसे हमने 2 से 3 घंटों के लिए भिगो लिया था, तो ये अब अच्छे से भीग चुकी है, तो इसका हम पानी निकाल देंगे। यहाँ हमने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। अब ये जो भिगोई हुई मूंग दाल है हम इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो इसे दरदरा पीस सकते हो, पर हम इसे साबुत ही रखेंगे। इसमें अब हम 1 चम्मच साबुत सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच तीखी वाली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सेमी सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। आटे को हमने अच्छे से गूंथ लिया है और थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे ऊपर से और दोबारा इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। हमारा आटा गूंथ के तैयार है और आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल पराठे के आटे जैसा हमें इसे करना है। तो इसे अब हम ढक के 1/2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने एक लोई ली है और थोड़ा सा सूखा आटा हमने लिया है और इसे हम बेल लेंगे। आप छोटा बड़ा जैसे आपको चाहिए आप पराठा बेल सकते हो। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसे हम पलट देंगे और दूसरी ओर से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप तेल या घी लगा के इसे अच्छे से दोनों साइड से फ्राई कर लें। हमारा ये पराठा जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये मूंग दाल के हेल्दी पराठे तैयार है। इसे हमने सर्व किया है राजस्थानी लहसुन मिर्ची की चटनी और दही के साथ। चटनी की रेसिपी भी मैंने अपलोड कर दी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छे सॉफ्ट पराठे बनते हैं, आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट है, मुलायम है और बहुत ही हेल्दी है, प्रोटीन से भरपूर। तो इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।